दोस्तों डंकी का टीजर वन और ड्रॉप वन देखने के बाद कटरीना कैफ कहती है कि ये तो कमाल की मूवी होने वाली है और इस बार जो राजकुमार हिरानी स्टोरी लेकर आ रहे हैं वो बॉलीवुड में आग लगा देगी, क्योंकि इस बार राजकुमार हिरानी और शाहरुख एक साथ आ रहे हैं तो मानो सुनामी मचने वाली है, क्योंकि शाहरुख ने बॉलीवुड में पहले ही जवान और पठान से तहलका मचा दिया था और अब तो राजकुमार हिरानी जैसे डायरेक्टर साथ है तो मानो बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है। डंकी चार ऐसे दोस्तों की कहानी है जो कि भारत को छोड़कर विदेश जाना चाहते हैं और वहां पर जाने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपनाते हैं जो कि मुसीबतों से भरा पड़ा होता है, और फिर लंदन पहुंचने के बाद भी वो मुसीबतें खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। फिर जो होता है वो आपकी रूह को भी हिला देगा और वो चारों दोस्त दोबारा भारत वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। फिर रेगिस्तान के रास्ते से इंडिया बॉर्डर में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो उसे टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। मतलब कि राजू हिरानी ने जो स्टोरी क्रिएट की है वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी और इस बार डंकी इंडिया की नंबर वन मूवी बन सकती है, क्योंकि इसमें रोमांस और एक्शन तो उसी के साथ कॉमेडी भी भर भर के दिखाई गई है और इस बार लग रहा है कि डंकी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। शाहरुख बॉलीवुड के वो सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने एक साल में दो बड़ी ब्लॉकबस्टर देकर बॉलीवुड का डूबता हुआ सितारा बचाया, और फिर अब बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ डंकी लेकर आ रहे हैं। पहले पठान, उसके बाद जवान और अब डंकी। मानो शाहरुख अब सुनामी बन चुके हैं और बॉक्स ऑफिस को पूरी तरीके से अस्तव्यस्त करने आ रहे हैं। शाहरुख ने इस बार इंडस्ट्री में इतनी कमाई कर ली है जो कि सदियों तक कोई नहीं कर पाएगा और शाहरुख का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। इस बार लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस फटने वाला है, क्योंकि शाहरुख ने जो धमाका किया है वो पूरी इंडस्ट्री को हिला देगा। और वहीं इस बार YRF डंकी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो मालूम सुनामी का मंजर एक बार फिर से शाहरुख हमें दिखाने वाले हैं और डंकी बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी तबाही मचाएगी जिसके बारे में कभी भी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। सो क्या लगता है आपको शाहरुख के सामने कितने बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और इस बार कितनी बड़ी बॉक्स ऑफिस शाहरुख अपने नाम करने आ रहे हैं, और आप कितना राजकुमार हिरानी की मूवी डंकी का इंतजार कर रहे हो कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज़ और FFU को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डंकी की सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।